हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टेक्निकल ट्रिगल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे Google Pay के नए फीचर के बारे में। क्या है ये नया फीचर और कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आप तक हमारी लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले। तो दोस्तों, अगर आप भी गूगल पे इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि गूगल पे एक नया फीचर लेके आए हैं जिसका नाम है स्प्लिट बिल। जैसा ही आप नाम से समझ गए होंगे स्प्लिट बिल क्या काम करता है। अगर आप नहीं समझे तो चलिए मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप अपने दोस्तों के साथ शेयरिंग पर किसी होटल में पार्टी करने गए हैं और आपने खाने का ऑर्डर दे दिया है शेयरिंग पर। सबका मिला के जो अमाउंट रहेगा वो आप शेयर करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए गूगल पे ने क्या किया है कि आप गूगल पे के जरिए अपना बिल स्प्लिट कर सकते हैं। जस्ट आपको क्या करना है, आपका टोटल अमाउंट उसमें डालना है और वो आपको अपने चार जितने भी फ्रेंड्स आप में डिवाइड करना है वो ऑटोमेटिकली डिवाइड कर देगा और आपके फ्रेंड्स को पे रिक्वेस्ट सेंड कर देगा। तो ये काम कैसा करता है, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे ओपन कर लेना है, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जैसे आपने गूगल पे ओपन कर लिया है, इसके बाद आपको क्या करना है, न्यू ट्रांजेक्शन पर क्लिक कर देना है। न्यू ट्रांजेक्शन पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, वहां पर सर्च करना है न्यू ग्रुप। न्यू ग्रुप पर जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको न्यू ग्रुप क्रिएट करना है। इस ग्रुप में आपको उन लोगों को ऐड करना है जिनमें आपको बिल स्प्लिट करना है, यानी डिवाइड करना है। जैसे आप उन लोगों को ऐड करते हैं उसके बाद आपको टोटल अमाउंट डालना है। टोटल अमाउंट डालने के बाद गूगल पे ऑटोमेटिकली उसमें आपका कैलकुलेशन कर देगा और जितने भी आपके दोस्त उस ग्रुप में ऐड है उन सबको पे रिक्वेस्ट भेज देगा कि आपके हिस्से में इतना पे आता है। तो ये फीचर बहुत काम का है फ्रेंड्स। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आप तक हमारी लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले।